हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिक्सअप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डेल टेक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बाद वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक टेक्स्ट को डिलीट करें, तो वहाँ पर हम डेल टेक के ज़रिए टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली ये जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो डिलीट नहीं होता, बस हमें ये शो कराना होता है कि ये जो टेक्स्ट है ये डिलीट हुआ है, और उसकी जगह हम कोई और वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हम आज इन दो टैग के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह टेक्स्ट को डिलीट करेंगे और उसको दोबारा एक न्यू वैल्यू टेक्स्ट किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैंने ओपन किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले की तरह इसको पहले ही सेव करता हूँ। हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है डेल टेक ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं डेल टेक के नाम से इसको सेव करता हूँ। सेव किया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं डेल टेक लिखता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ फॉर एग्जांपल मैं टूर पर जाना चाहता हूं, हमारे साथ एक दो दिन है टूर के लिए। तो हम दोस्तों ने फैसला किया कि हम लाहौर चलेंगे। फिर एक दोस्त ने कहा कि नहीं, लाहौर तो बहुत दूर है, फॉर एग्जाम्पल कहीं और चले जाते हैं, वहाँ पर जो नज़दीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कराची जाना चाहते हैं, कराची का फ़ायदा क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लाहौर लिखा था, मैं पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ के अंदर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त लाहौर जाना हैं, इस तरह मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक दोस्त ने मशवरा दिया कि नहीं, लाहौर तो बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल इसकी जगह अगर हम लोग कराची चले जाए तो किस तरह रहेगा। तो हम सब ने कहा कि भाई कराची ठीक रहेगा, आप लाहौर नहीं जाना चाहते तो ना जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाहौर को यहाँ से, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लाहौर को मुकम्मल तौर पर डिलीट भी नहीं करना चाहता, मैं इसको यहाँ से सिर्फ कट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाहौर को डिलीट करता हूँ और इसको क्लोज भी करता हूँ, और लाहौर की जगह यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट करता हूँ क्या, कराची। मैंने कराची इंसर्ट किया, मैं कराची जाना चाहता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाहौर है उस पर क्रॉस आ गया, मतलब एरो का निशान आ गया, यहाँ पर उसको काट कर दिया, और लाहौर की जगह यहाँ पर हमारे साथ कराची आ गया। तो इस तरह दोस्तों, आप लोगों एक वर्ड को टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हो और उसकी जगह एक और वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो। अब हमारे साथ डेल टेक जो है उसके हमारे साथ दो एट्रीब्यूट हैं, एक सेट एट्रीब्यूट और एक डेट टाइम एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में हम रीजन बताएंगे यहाँ पर हमें उसे कि मैं लाहौर क्यों नहीं जाना चाहता, और डेट टाइम की जगह हम वहाँ पर टाइम भी बता देंगे कि इस टाइम पर हमने जो फैसला किया वो चेंज किया। यहाँ पर मैं सेट एट्रीब्यूट लिखता हूँ, सेट एट्रीब्यूट लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि हमारे साथ टाइम कम था, इसलिए लाहौर नहीं जाना चाहते, ये मैंने रीजन लिखा। अब ये तो मैंने रीजन लिखा, अब डेट टाइम मैं बताऊंगा। यहां पर मैंने डेट टाइम एट्रीब्यूट लिखा। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ईयर लिखूंगा। अब हमारे साथ 2020 है, इसके बाद हमारे साथ कौन सा महीना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर
महीना लिखा। अब इसके बाद हमारे साथ डे कौन सा है, हमारे साथ 12 है। इसके बाद हमारे साथ हावर कौन सा है, तो हमारे साथ जो है वो 12 o'clock है। इसके बाद हमारे साथ 30 minutes है और हमारे साथ 50 seconds है। तो इस तरह हम डे टाइम भी बता देंगे। दोस्तों ये ब्राउज़र पर शो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमें अगर बताना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसको रीजन भी बता सकते हैं और टाइम भी उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ, तो यहाँ पर इस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो था हमारे साथ डेल टैग और इंसर्ट टैग। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर भी कीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है कि नहीं।